सभेचा आदर मानून ग्राम सभेचा आदेश मानून ग्राम को समिति व तंटामुक्ति समिति तेजी निवडणूक होता है। आज ऐतिहासिक निवडणूक आहे। या निवडणुकीला माननीय सरपंच यांच्या अनुमतीने सर्व गोपुंदावासियांनी भरभरून प्रतिसाद दिला। कोणी निवडून या गावाचा विकास व्हावा हा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे। हेच सरपंच साहेबांची सुद्धा भूमिका आहे। ग्रामसभेने जे मान्य केलं, ग्रामसभेने जे ठरवलं, लोकप्रतिनिधीतून आपण निवडणूक घेत आहे आणि हे आता ऐतिहासिकच निवडणूक असल्यासारखी आहे आपल्या या गोकुंदा ग्रामपंचायतमध्ये। आणि ऐतिहासिक निर्णय आहे। सर्व ग्रामवासियांनी भरभरून प्रतिसाद दिला। छोटीशी समिती आहे परंतु त्याला विकासभूक आपण जे एक एक हे देण्याचा प्रयत्न केलो। आप सरपंच के प्रतिनिधि है तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी ग्राम सभा का निवडणूक हो रही है तो यहाँ पर जो पब्लिक है इसमें बच्चे बूढ़े बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए अभी हम आके 4-6 महीने हो गए। पहली बात 6 साल से क्योंकि जो 3-4 साल से सॉरी 3-4 साल से अपनी ग्राम सभा जो थी ऐसा की वो समिति गठित नहीं हुई थी। अच्छा। अभी ये समिति गठित करने के लिए ग्राम सभा ने क्योंकि ने क्या आदेश दिया। अच्छा। माननीय अध्यक्ष को ग्राम सभा के कि बाबा आप निवडणूक लीजिए। अच्छा। इस वजह से हमको निवडणूक लेने की अपने पर बारी आई वाली है और ये जो बारी है सबके इतिहास के बोले तो सबके सहयोग के साथ चालू है। अच्छा। यहाँ पे कोई झगड़ा तंटा नहीं है। हाँ। कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा। कोई उम्मीदवार ऊंच नीच का नहीं है, कोई बात नहीं है। दो बार ग्राम सभा लिए गई थी, दो बार भी तहकुब की गई, क्यों, क्या वजह हुई? ग्राम सभा में एकमत न होने की वजह से अपन तहकुब किए। अच्छा। अभी जो लोग है आपको सपोर्ट बरोबर कर रहे हैं समझो? सरपंच बोल के ग्राम सभा के अध्यक्ष जो है पैसा। अच्छा। ग्राम सभा के अध्यक्ष आदिवासी महिलाएं रहती है और उनके आदेश के अनुसार ही वहाँ पे काम होता है। अच्छा। किसको कायदा मालूम नहीं, कुछ कुछ लोगों को कायदा मालूम है। अच्छा। जो भी विकास के काम होते हैं ग्राम सभा के वो ग्राम सभा में ही रखना पड़ता है अपने को। अच्छा। और ग्राम सभा के अध्यक्ष सरपंच रहते हैं, उसका लेखा जोखा करते हैं, उसका नियोजन करते हैं, उसके बाद में उनका हिसाब भी लेने का अधिकार सभी सरपंच यानी कि ग्राम सभा के अध्यक्ष को है। अच्छा। तो आपने जो भी मतदान कर रहे हैं उनके लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं? मेरे को इतना गाँव जागरूक लग रहा है, ये मेरा गाँव बहुत अच्छा लगा मुझे कि बाबा मेरे गांव में इतना अच्छा क्योंकि मतदान हो रहा है और वो भी शांति से हो रहा है। सभी धर्म सर्व धर्मों के हिसाब से अपना काम अच्छा चालू है और यही हिसाब से मेरा गांव चलना चाहिए और विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। जो भी पैसा का पैसा होगा वहाँ पे 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार ग्राम सभा के अध्यक्ष होने देने वाले नहीं। इसमें कैसा है आपको बताता हूँ मैं। ग्राम पोस्ट समिति बोलो तो ग्राम सभा की एक उपसमिति है। ग्राम सभा जो ठहराती है, ग्राम सभा में जो निर्णय होते हैं आदिवासी विकास के लिए उसके पदसिद्ध अध्यक्ष जो है ग्राम सभा के अध्यक्ष रहती है और वहाँ पे सभी कामों का देखने का लेखा जागा होता है कि बाबा आपने को काम कहाँ करना चाहिए और उनके हिसाब पे वहाँ पे देना पड़ता है। अगर अध्यक्ष ने बोल दिया कि बाबा हे चुकीचं काम झालं तिथं 100% चौकशी होणार म्हणजे होणार। सभेचा अध्यक्ष एकच असतो आणि एक सदस्य असतो आणि त्याचा पदसिद्ध अध्यक्ष हे सचिव हे आपला ग्राम विकास अधिकारी असतो। त्यामुळे शासनाचा त्याच्यामध्ये अंकुश आहे, शासनाने त्याच्यामध्ये एक अंकुश ठेवलेला आहे की एक आदिवासी प्रतिनिधी पाहिजे आणि एक काही बिगर आदिवासी पाहिजे, याचा अर्थ की ओपनचा। परंतु हे पैसा जे आहे त्याचं नियोजन जे करायचं आहे किंवा विल्हेवाट लावायची आहे त्याचा हिशोब द्यायचा आहे हे ग्रामसभा ठरवू शकते आणि ग्रामसभेचा अध्यक्ष ते सर्व सर्वसा आहे। आज आपल्याला काही कायद्याची जाणीव नसल्यामुळे ग्राम पोस्ट समितीचा अध्यक्षाने सदस्यांनी मी माझ्या गावाचंच बोलत नाही बऱ्याचशा ठिकाणी भ्रष्टाचार केलेला आहे, परंतु ग्रामसभा हे सर्वश्रेष्ठ आहे। ग्रामसभा जे निर्णय घेईल आणि ग्रामसभेमध्ये जे कामं होतील ते सर्वश्रेष्ठ राहणार आणि ग्रामसभेमध्ये त्याचं काही हिशोब मागणार आणि त्याच्यामध्ये जर काही ढवळाढवळ राहील
ग्राम सभेचे अध्यक्ष त्यांना काही बंडतर्फ करू शकतात, त्यांच्यावर चौकशीची सुद्धा कारवाई लावू शकतात। बहुतेक 60 लाखाच्या वर माझ्या इथे जमा आहे, त्याचं कारण सांगतो मी। आपल्याला दरवर्षी जे निधी येतो, मागील 3-4 वर्षापासून कोरोनाचा संकट होतं, त्याच्या आधी आपले सुनील इनारमध्ये आपले सदस्य होते, त्यांचं निधन झालं, त्यामुळं हे जे पैसा साठवणूक झालेले आहे, हे साठवणूक झालेले जे पैसा आहे त्याची विल्हेवाट चांगल्या रीतीनं करण्यासाठीच हे पैशाची समिती आहे। दुसरी गोष्ट, पैसा समिती फक्त पोच समिती आहे, याला संपूर्ण अधिकार नाहीत। ग्रामसभेला संपूर्ण अधिकार आहेत। ग्रामसभा जे निर्णय घेईल आणि अध्यक्ष महोदय जे ठरवतील, अध्यक्ष महोदयाचं त्याच्यावर नियंत्रण असतं।